दोस्तों, जैसे ही किसी भी पर्टिकुलर पेनी स्टॉक में मोमेंटम आना शुरू होता है तो पहला क्वेश्चन ये रेज होता है कि सर स्टॉक को क्या करना चाहिए। तो क्वेश्चन दो तरीके के होते हैं। एक क्वेश्चन ये होता है कि सर स्टॉक में प्रॉफिट में है, क्या बुक कर लेना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन होता है कि सर इस स्टॉक को इस लेवल पे बाय कर लेना चाहिए। तो सारा क्लैरिफिकेशन इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं दूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके पास सुजलॉन एनर्जी के कितने शेयर हैं, कितनी क्वांटिटी में हैं और टाइम फ्रेम क्या है। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट सिनेरियो, अगर आप हमसे पर्सनल बात करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो स्टॉक का अगर देखेंगे सुजलॉन एनर्जी, तो आपने देखा होगा कि लॉन्ग टर्म मोमेंटम का स्टॉक है और बहुत सारे हर्डल्स हैं जिनको पार करना है। किस लिए भागा है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, और क्या केवल सुजलॉन एनर्जी भागा है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉक ने पिछले ट्रेडिंग सेशन में 3.5% के रिटर्न दिए। अगर आप देखेंगे 7.15 रुपये के लेवल से 7.35 रुपये के लेवल पे क्लोजिंग दी है। अगर आप बात करेंगे एक हफ्ते की तो यहाँ पे 10% के आसपास के रिटर्न आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप बात करेंगे एक पर्टिकुलर मंथ की तो 17% के रिटर्न बना के दिए हैं। यानी कि स्टॉक ने काफ़ी बढ़िया मोमेंटम दिया है और 17% के रिटर्न बना के दिए हैं। पहला क्वेश्चन ये उठता है कि देखिएगा पिछले पैंडेमिक में आपको पता था कि सारे पावर सेक्टर के स्टॉक जो थे उनके रिजल्ट खराब आए थे चूंकि लॉकडाउन था। तो आपने देखा होगा जो तेजी बनी थी जो पावर सेक्टर के स्टॉक में, यानी जो रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक्स पे जो तेजी बनी हुई थी, वो एकदम से ट्रेंड बिल्कुल रुक गया था, स्टक हो गए थे और तुरंत प्रॉफिट बुकिंग आ गई थी। तो सबसे पहला रीज़न तो आपको पता ही है कि यहाँ पे स्टॉक में 53% की डिलीवरेबल क्वांटिटी देखने को मिल रही है, 4 करोड़ के वॉल्यूम आए हैं, 2 करोड़ की डिलीवरी देखने को मिल रही है। तो पहला रीज़न है कि नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट इट वुड बी बेटर, यानी कि पिछले क्वार्टर से थोड़े से इम्प्रूव होते हुए देखने को मिल सकते हैं। फिर से मैं बताऊंगा, और ये केवल सुजलॉन एनर्जी के लिए नहीं है, ये सभी अदर स्टॉक्स के लिए भी है। फिर से समझिएगा, ये सभी अदर स्टॉक्स के लिए भी होगा कि ये वाले क्वार्टर पिछले क्वार्टर से कुछ बेहतर आते हुए देखने को मिलेंगे। तो आप कोई भी पावर सेक्टर का स्टॉक देख लीजिए जाके, सब अप ट्रेंड में है, चाहे वो पेनी स्टॉक हो चाहे पेनी स्टॉक ना हो। तो पहले तो है रिजल्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो क्या केवल रिजल्ट फैक्टर है? बिल्कुल भी नहीं। ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि केवल रिजल्ट फैक्टर है। फैक्टर असली में देखिएगा कुछ और है। आपको पता है कि इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड बढ़ रही है। पहली तो चीज आपको ये पता ही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है, और चाइना में है पावर क्रंच। तो इट मींस अगर आप देखेंगे तो पावर की शॉर्टेज ग्लोबल इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा देखिएगा इंपैक्ट डालेगी, बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगी। इट विल बूस्ट अप द डिमांड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, एंड बहुत सारी कंट्रियां पहले से अलर्ट हो गई हैं कि चाइना की तरह उनका हश्र ना हो। तो उन्होंने क्या कर लिया, बहुत बड़े बड़े करार कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े मोमेंटम देखने को मिल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यूके नेशनल ग्रिड इन टॉक टू बिल्ड एन एनर्जी आइसलैंड इन द नॉर्थ सी, यानी कि ग्रिड लैंड आप समझ रहे हैं, पूरा देखिएगा विंड टर्बाइन का होता है, और वो पूरी तरीके से एक आइसलैंड बनाना चाहता है नॉर्थ सी पर। और ये अपडेट आपको केवल 20 घंटे पहले देखने को मिलेगी। आप पूरा क्लैरिफिकेशन देख सकते हैं कि यहां पर यूके एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लेने की सोच रहा हैज रिवील्ड इट इज इन टॉक विद 2 अदर पार्टीज अबाउट द बिल्डिंग एन एनर्जी आइसलैंड इन द नॉर्थ सी दैट वुड यूज विंड फार्म्स टू सप्लाई क्लीन इलेक्ट्रिसिटी। आप समझ रहे हो, ये चीज क्लीन इलेक्ट्रिसिटी विंड से रिलेटेड बात हो रही है। तो आप कहेंगे सर नहीं, ये तो इंडिया के लिए नहीं है, ये इंडिया के लिए नहीं है। अभी आपको ये भी पता चल जाएगा इसका डायरेक्ट कोरिलेशन इंडिया से कैसे है। तो सप्लाई द क्लीन इलेक्ट्रिसिटी, और आपको पता है रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत तेजी से काम कर चल रहा है। आप देख सकते हैं द आइडिया ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी हब इन द नॉर्थ सी हैज बीन फ्लोटेड फॉर ईयर्स बट हैज येट टू प्रोग्रेस फ्रॉम द स्टडीज टू रियालिटी। बहुत सालों से बातें हो रही हैं बट अब स्टडी को रियालिटी में कन्वर्ट करने का समय आ गया है, चूंकि इट इज अ नीड ऑफ टाइम। आपको पता है कि अगर अब नहीं सुधरे तो फिर कभी नहीं सुधरेंगे। द कॉन्सेप्ट इन्वेस्ट ऑफ श्योर विंड फार्म्स दैट हैव मच लार्जर कैपेसिटी दैन दोज यूज टूडे। तो आपको पता है बहुत बड़े बड़े फार्म्स बनाए जाएंगे, और जिससे देखिएगा कैपेसिटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा इलेक्ट्रिसिटी का, तो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए भी बहुत अच्छी बात होगी।
तो अब बात करते हैं इसके डायरेक्ट कोरिलेशन का। तो देखिएगा डायरेक्ट कोरिलेशन भी 15 घंटे पहले ही आया है, यू कैन चेक आउट। इंडिया एंड यूके एग्री जॉइंट प्लान ऑन द स्मार्ट पावर रिन्यूएबल एनर्जी। देखिएगा दोनों ने प्लान भी कर लिया, इंडिया और यूके ने भी तुरंत देखिएगा प्लान एग्रीमेंट शुरू हो गया है। और जो यूके कर रहा है उसका देखिएगा बेनिफिट रिन्यूएबल एनर्जी को मिलेगा ही मिलेगा। इंडिया इस काम में बहुत आगे है तो पार्टनर भी इंडिया को ही बनाएगा और कंजम्पशन भी इंडिया में बहुत ज़्यादा है तो इंडिया को भी नीड है। तो आप देख सकते हैं फ्राइडे को विद मिनिस्टर ऑफ पावर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी राजकुमार सिंह यूके बिजनेस एनर्जी सेक्रेटरी क्वासी के साथ देखिएगा एग्रींग अ न्यू जॉइंट प्रोग्राम ऑन द स्मार्ट पावर रिन्यूएबल एनर्जी। तो आपको पता है कि इस तरीके के प्रोग्राम अगर होते हैं लाइक स्टोरेज से रिलेटेड होगा, लाइक एफिशिएंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होगा, इंडस्ट्रियल एनर्जी एफिशिएंसी से रिलेटेड होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर, ऑफशोर, देखिएगा बहुत डिमांड है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। और आपको पता है अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल के ट्रांसफॉर्मेशन में इंडिया सफल हो जाता है तो उसका बहुत बड़ा फिस्कल डेफिसिट बचेगा और उसको वो अपने डेब्ट को रिड्यूस करने में लगा सकता है आने वाले तीन सालों में। तो आप समझ सकते हैं इसका बहुत बड़ा बेनिफिट इंडिया को मिल सकता है। तो इसलिए यहाँ पर केवल सुजलॉन एनर्जी नहीं भाग रहा है, ये पूरा पावर सेक्टर भाग रहा है। आप कोई भी देख लो, टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, आप बात कर लो जेपी पावर, आप बात कर लो सुजलॉन एनर्जी, रतन पावर इंडिया, आप सारे आर पावर देख लो, सारे पावर स्टॉक इसलिए भाग रहे हैं। सारे पावर स्टॉक किस लिए भाग रहे हैं? इसलिए भाग रहे हैं। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि स्टॉक के भागने की वजह क्या है। तो आई होप आपको समझ में आई होंगी चीजें, लेकिन आपको करना क्या है अभी तक आपको मैंने ये नहीं बताया। तो सबसे पहले स्टॉक के फंडामेंटल इंप्रूव होने चाहिए फॉर द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। स्टॉक के क्वार्टर अगर इंप्रूव होते रहते हैं तो स्टॉक में आगे चल के आने वाले सालों में वैल्यू दिखेगी, अदरवाइज ये स्टॉक ऊपर जाएगा, ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो आपको क्लैरिफिकेशन कब मिलेगा कि स्टॉक में कंटिन्यू बने रहना है कि नहीं बने रहना है? ये तब मिलेगा जब इनके कुछ क्वार्टर बेटर आते हैं। 2-3 क्वार्टर अगर ये बेटर दे देते हैं तो ये स्टॉक भी एक मोमेंटम बना सकता है, क्योंकि काफी बढ़िया एक्सपीरियंस है इनके पास, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। स्टॉक तो देखिएगा, आप देख ही सकते हैं कि स्टॉक में ये ना देखिए कि अभी रिटर्न क्या है, स्टॉक कितने रुपए का स्टॉक था, आप देख सकते हैं सुजलॉन एनर्जी 94% के माइनस रिटर्न है, 400 रुपए का स्टॉक था, ये 400 रुपए का स्टॉक था। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनको बताना चाहूंगा, ये चीज अगर इंप्रूव होती है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो स्टॉक कंटिन्यू मोमेंटम में रहेगा, अदरवाइज शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग भी आती रहेगी। लॉन्ग टर्म का विजन तभी रखें और उतना ही पैसा रखें स्टॉक में जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं कि आप भूल जाएं, बिल्कुल भूल जाएं। तो लॉन्ग टर्म में क्वार्टर इंप्रूव होंगे तो आपको अच्छे यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं, अदरवाइज ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलो, जहां पे स्टॉप लॉस हिट हो जाए वहां पे एग्जिट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।